हेलो एवरीवन क्या हाल चाल आई होप आप सब बढ़िया हैं आज हम डिस्कस करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्लियर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ठीक है बार uh, एग्जामिनेशन उन बच्चों के लिए क्लियर करना काफी इजी है जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने कॉलेज में भी ढंग से पढ़ाई करी है अगर आपके कॉलेज में आपको अच्छे से पढ़ाया गया है कॉलेज में आपने सब्जेक्ट कॉम्प्रीहेंसिवली कवर करें हैं या अगर आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी करी है क्लैक पीजी की करी है किसी लॉ ऑफिसर एग्जाम की करी है जुडिशियल सर्विसेज की करी है कहीं भी अगर आपने लॉ को प्रॉपरली है तो आपके लिए ए आई बी ई क्लियर करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट काम नहीं है आप बहुत आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं राइट आपको अपने बेर एक्ट्स लेके जाने हैं बस इतना ध्यान रखना है कि प्लेन बेर एक्ट होने चाहिए उनमें कोई कॉमेंट्रीज नहीं होनी चाहिए ठीक है तो और अनमार्क्ड होने चाहिए उसमें आपके कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं होने चाहिए अंडरलाइंस नहीं होनी चाहिए आप बेयर एक्ट लेके जाइए और आप बहुत ईजिली फोर्टी फाइव मार्क्स वहां पर ला सकते हैं फोर्टी फाइव मार्क्स आपके वहां पे पासिंग मार्क्स हैं बट आज हम इस वीडियो में उन बच्चों की बात करने वाले हैं जिनका लॉ थोड़ा वीक है जिनके कॉलेज में अच्छे से पढ़ाया नहीं गया या जिन्होंने बहुत अच्छे से कॉलेज में नहीं पढ़ा है ना या हम उन बच्चों की बात करने वाले हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली अभी तक लॉ लॉ का प्रॉपर नहीं किया है आ, या के किसी की लास्ट ईयर उसका रिजल्ट काफी शॉकिंग रहा था स्टूडेंट्स फेल हो गए थे इस में। वो फोर्टी लाके इस एग्जाम को क्वालिफा नहीं कर पाए थे है ना? और इसी वजह से थोड़ा जरूरी हो जाता है ये देखने कि किस तरीके से आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं तो जो भी लोग इस बार बार देने वाले है, फटा, फट, फटा, फट तो तो हैं ऑल इंडिया एग्जामिनेशन उन साथ और सब्सक्राइब करो चैनल को ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर जो आपको टारगेट करने चाहिए उसके लिए एक बार हम हमारे हम हमारे सिलेबस पर आ जाते हैं ठीक है कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पर आपको टारगेट करने ही चाहिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनको छोड़ेंगे तो मेजर चंक ऑफ द पेपर हमारा मिस आउट हो जाएगा है ना सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यहाँ पर आपका दस मार्क्स का आता है फिर आपके जो क्रिमिनल लॉज है तो आईपीसी बी एन एस एट मार्क्स का हाँ यहाँ पे न्यू एंड ओल्ड दोनों क्रिमिनल लॉज आने वाले हैं सी एंड बी एन मार्क्स का uh, एविडेंस एक्ट और बी एस एट मार्क्स का और फिर आपका सीपीसी आता है टेन मार्क्स का अगर आपने इतने acts, ये कितने हैं ये यहाँ पर आपके पांच एक्ट्स जो हैं अगर आपने ये कर लिए तो दस बीस तीस एंड सिक्सटीन फोर्टी सिक्स मार्क्स तो यही हो गए ठीक है फोर्टी सिक्स मार्क्स यही हो गए पर अब इन एक्ट्स को करना कैसे है करना कैसे है बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है कैसे करना है वो अभी हम देखते हैं अब यहाँ पर एक दो ऐसे और टॉपिक्स मैं आपको बताना चाहती हूँ जो बहुत इजी हैं और बहुत आसानी से करे जा सकते हैं जैसे कि अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का टॉपिक देखो ठीक है चार मार्क्स का है तो इसको मिलाओगे तो पचास मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे पर ये टॉपिक क्या है बहुत ही छोटा टॉपिक है सिर्फ गूगल पे सर्च करो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया और तुम्हें वहां पे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे उन आर्टिकल्स को पढ़ो और उनमें जो केसेस के नाम दिए हैं कि कौन से केस के थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इनिशिएट हुआ कौन से जस्टिस थे जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए क्या नए केसेस हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं पी में बस एक आर्टिकल के थ्रू ठीक है एक घंटे में कवर होने वाला टॉपिक है ये एक घंटे से ज्यादा का टाइम इसको नहीं चाहिए बट यहाँ आपके फोर मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे ठीक है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लिए एक चीज और आप कर सकते हो कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑल इंडिया ऑल इंडिया बार एग्जाम के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके थ्रू भी आप यहाँ पे आ, इसके क्वेश्चन अगर लगा लोगे उतने में भी आपका कवर हो जाएगा ठीक फिर आपका एक और सब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन लॉ लॉ या एडमिनिस्ट्रेटिव ये भी बहुत छोटा सा सब्जेक्ट होता है इसमें भी कुछ गिने चुने टॉपिक है जो आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स यहाँ पर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही कवर हो जाते हैं जुडिशियल रिव्यू का टॉपिक हुआ नेचुरल जस्टिस का टॉपिक हुआ स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है डेलीगेटेड uh, लेजिस्लेशन क्या होता है इस तरीके के कुछ कुछ टॉपिक्स हैं बस जो यहाँ पर आपको करने रहते हैं मोस्ट ऑफ विच गेट कवर्ड यू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ठीक ये आता है तीन मार्क्स का तो ये दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत कवर हो जाती है ठीक फैमिली लॉ अगर कुछ बच्चों को इंटरेस्ट होता है तो हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ मैरिज एक्ट अगर आप एटलीस्ट हिंदू मैरिज एक्ट आप पढ़ सकते हो आप थोड़ा सा अडोप्शन के बारे में पढ़ सकते हो तो वहां से फैमिली लॉ कवर हो जाता है और वो आठ मार्क्स का होता है अगर आप इतना कर लोगे ठीक है ये कुछ एक्ट अगर आप छोड़ना चाहो तो आप इन्हें छोड़ भी सकते हो जैसे आर्बिट्रेशन एक्ट हो गया आपका कंपनी लॉ एनवायरमेंटल लॉ हो गया साइबर लॉ हो गया लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ हो गया टैक्स हो गया लैंड एक्विजिशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज ये ऐसे लॉज है मुझे पता है जो बच्चों ने बहुत ध्यान से कभी भी नहीं पढ़े होते हैं तो कंपनी एनवायरमेंट साइबर ठीक है फिर आपका टैक्स लैंड एक्विजिशन आई पी आर इन छोटे छोटे सब्जेक्ट्स में अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओगे तो कोई फर्क ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है पर जैसे टोर्ट्स है ये छोटा सा टॉपिक है छोटा सा सब्जेक्ट है सब ने अपने कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर में पढ़ा होता है इसको हम इजीली कवर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं ये फिर बेयर एक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो बेयर एक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं उन्हें कवर करना बहुत आसान है कैसे कवर करेंगे हम बेयर एक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट उस पर अभी हम बात करेंगे तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया स्पेसिफिक रिलीफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये डायरेक्ट बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहां पर आते हैं ठीक टॉर्ट uh, में हाँ कोई बेयर एक्ट नहीं है बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप रिवाइज कर सकते हो फिर सिमिलरली बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके ये वाले सब्जेक्ट्स में भी जो हमने ऊपर पांच सब्जेक्ट्स की बात करी आपका ए uh, डी के लिए आप अगर आप आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट लेके जा सकते हो और वहां से उसके बेसिस पे भी आप आंसर कर सकते हो फिर ये आपके जो क्रिमिनल लॉज है सीपीसी है और कॉन्स्टिट्यूशन है ये सब डायरेक्टली बेयर एक्ट बेस्ड सब्जेक्ट है ठीक बट अब हम यहां पे देखते हैं कि किस तरीके से हम इन बेयर एक्ट बेसेक्ट को भी कर सकते हैं तो जब भी आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे वहां आपको एक पैटर्न देखने के लिए मिलेगा और वो पैटर्न क्या है वो पैटर्न ये है कि ऑलमोस्ट 30 टू 35 फाइव क्वेश्चन जो होते हैं ये कैसे होते हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ठीक है अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए तो पहले जैसे ही आपके हाथ में पेपर लगे आपको क्या करना है ये क्वेश्चंस भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं पहली कैटेगरी इन क्वेश्चंस की ऐसी होती है जहां क्वेश्चन में क्या दिया है क्वेश्चन में सेक्शन का नंबर दिया हुआ है प्लस एक्ट का नाम दिया हुआ है ठीक है जैसे इन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया कि सेक्शन नंबर 173 ऑफ सीआरपीसी क्या है अब आपको क्या करना है सेक्शन नंबर 173 ऑफ सीआरपीसी क्या है तो उसके लिए क्या करेंगे सीधे सीधे उठाया आपने सीधे खोला सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 173 और आपको मिल गया आंसर ठीक कि उसमें क्या होता है फिर चार ऑप्शंस देख के आप अपना आंसर वहां पे मार्क कर सकते हो सिमिलरली ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि आर्टिकल नंबर फोर्टी फोर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का तो अब आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या है डीपीएसपी का पार्ट फॉर्म करता है यूसीसी का कॉन्सेप्ट दिया है क्या करोगे बेयर एक्ट उठाओ कॉन्स्टिट्यूशन का देखो खोल के कि आर्टिकल 44 क्या है एंड यू हैव योर आंसर ठीक तो इस तरीके के जो तीस पैंतीस क्वेश्चन आते हैं जिसमें से पंद्रह कुछ क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं जहां डायरेक्ट सेक्शन नंबर और एक्ट का नाम दिया होता है एक्ट उठाओ देखो और कर दू। दूसरी के क्वेश्चन कौन से होते हैं दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं जहां पर सेक्शन का टाइटल दिया होता है आपको सेक्शन का टाइटल दिया होगा आर्टिकल का टाइटल दिया होगा कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहां फाइल करी जाती है ठीक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहाँ फाइल करी जाती है बीएनएसएस में बीएनएसएस अब आपने कभी नहीं पढ़ा पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहाँ फाइल करी जाती है अब यहाँ पर इन्होंने सीधे सीधे सेक्शन नंबर दे दिए 172, 173, 174, 175, ठीक अब क्या करना है? अब आपके पास ये पूरी सीक्वेंस है आपको पता है कि हाँ भाई इनमें से ही कोई होगा

के थ्रू आंसर होता है ऐसे क्वेश्चंस जहां पे सेक्शन नंबर और एक्ट दिया हुआ है और ऑप्शंस में आपको सेक्शन का नाम या आर्टिकल का नाम दिया हुआ है तो भी इजी है सीधे सेक्शन नंबर खोलना है उसी बियर एक्ट में से और आपके पास आंसर है राइट तो ये 30 से 35 क्वेश्चन जो है इससे कुछ नहीं तो आपके 30 मार्क्स तो यहां सिक्योर हो गए ठीक है थर्टी मार्क्स आपके यहाँ सिक्योर हो गए अब आपको क्या करना है अब बचे हैं पंद्रह नंबर अब ये पंद्रह नंबर के लिए हमें वर्क करना है ठीक इस पंद्रह के लिए हम क्या करेंगे इस मार्क्स के लिए आप एक चीज कर सकते हो ठीक है ये तो हम बाद में देखते हैं इस फिफ्टीन मार्क्स के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर्स निकाल लो ठीक है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आपको हम भी यहाँ पर लिंक्स uh, वगैरह दे देंगे जिसके थ्रू आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे अदरवाइज हमारा जो बैच है वो आप ज्वाइन करोगे तो वहां तो आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स एम सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो भी बेयर मिनिमम असेंशियल नॉलेज आपको जरूरी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की वो सब आपको मिल जाएंगी ठीक है ठीक बट प्रीवियस ईयर पेपर्स निकाल लो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के और ये प्रीवियस ईयर पेपर्स कुछ नहीं तो पिछले पाँच साल के सॉल्व कर लो ठीक सिर्फ पिछले पांच साल के भी अगर आप प्रीवियस ए आई बी के सॉल्व कर लोगे तो भी यहां से भी आपके दस से पंद्रह नंबर सिक्योर हो जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा ऑल राइट अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यूज उठा के एमसीक्यूज सॉल्व करने लगोगे क्योंकि देखो अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है अगर ट्वेंटी फिफ्थ ट्वेंटी फोर्थ नवंबर को अगर आपका पेपर है तो आपके पास अगर अभी से आप देखोगे तो वन एंड हाफ मंथ मान लो ठीक है डेढ़ महीने के आसपास है डेढ़ महीने में उन्नीस सब्जेक्ट कवर नहीं हो सकते बहुत डिफिकल्ट काम है तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसी क्यू लगा ले सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसी क्यू जब दोगे तो उससे क्या होगा कि ऑटोमैटिकली आप जाके इंडेक्स में देखोगे ऑटोमैटिकली आप बेयर एक्ट में जाके देखोगे तो उसके थ्रू भी आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे ठीक और एक चीज और जो आप कर सकते हो यहाँ पे वो है इंडेक्स बेस्ड तैयारी इंडेक्स बेस्ड प्रेपरेशन से क्या मतलब होता है कि सीधे आप क्या करो जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो अभी हमने मार्क करे उनका उठा के बस इंडेक्स इंडेक्स पढ़ लो ठीक सब्जेक्ट स्पेसिफिक कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है उनके लिए हम पर सब्जेक्ट आपके लिए वीडियोज लेके आ जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हाँ ये ये आर्टिकल्स है ये कॉन्स्टिट्यूशन में देख लो ये ये आर्टिकल्स सीआरपीसी बी में देख लो ये बी और आईपीसी में देख लो ये सीपीसी

का क्या करना है सीपीसी में ध्यान देना कि सीपीसी में आप क्या कर सकते हो कि जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं तो ऑर्डर्स जितने भी आपके हैं फिफ्टी वन ऑर्डर्स हैं तो आप सारे ऑर्डर्स के नाम याद कर लो बस सारे ऑर्डर्स के नाम याद कर लो ठीक उसके अलावा जो ऑर्डर्स में होता है जो भी इम्पोर्टेंट है मैं एक प्रॉपर सीपीसी पे हम एक वीडियो ले आएंगे जिसमें हम इम्पोर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस कर लेंगे फिर सिमिलरली सीपीसी के जो सेक्शंस हैं बस सेक्शन नंबर्स देख लो याद मत करो सिर्फ पलट पलट के अगर आप उनको पढ़ते भी रहोगे अगर आपने दस पंद्रह बार भी इंडेक्स पढ़ लिया किसी किताब का तो जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये था जो हमें करना था राइट ठीक है अब बात करते हैं कि अब आगे क्या करना है तो देखो यहाँ वहां आपके थर्टी मार्क्स आ गए थे यहां आपके दस से पंद्रह नंबर आ गए तो फोर्टी फाइव मार्क्स तो आपके हो गए अब अगर आपने इंडेक्स भी पढ़ लिया और साथ में अगर आपने एम भी सॉल्व कर लिए तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर और इंक्रीज हो जाएगा अगर आपने डेढ़ महीने में एक हजार दो हजार भी सॉल्व कर लिए तो भी आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा ठीक बट फिर भी अगर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि कैसे हो पाएंगे इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं कुछ भी नहीं आता है कोई कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या है कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल बेलेबल नॉन बेलेबल क्या होता है इतना भी नहीं पता चलता है रेलेवेंसी क्या है फैक्ट इन इशू क्या होता है फंडामेंटल राइट्स डी पी एस पी क्या है लेजिस्लेटिव प्रोविजंस कहाँ दिए हुए हैं अगर इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी डाउट हो रहा है ना बेटा तो एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगी कि आप ये वाली जो हमारा बैच है आप इसको एनरोल करा सकते हो देखो इसकी फीस बहुत ज्यादा नहीं है पर इससे ना तुम्हारे सारे सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएंगे जो भी चीजें कॉलेज में तुम्हें ढंग से नहीं करवाई गई जो भी चीजें तुम कॉलेज में ढंग से नहीं कर पाए वो सब कुछ आपका यहाँ पर प्रॉपरली कवर हो जाएगा सारे सब्जेक्ट्स क्या कर सकते हो पर ए आई बी पर जाओ, जाओ, जाओ यहाँ पर तुम्हें ये वाला क्रैश कोर्स दिख जाएगा नीचे स्ट्रिप जो ऑलरेडी चल रही है उसमें कोड डाला हुआ है अगर इसको परचेज करना चाहोगे वो कोड डालोगे तो तुम्हें वो डिस्काउंट भी मिल जाएगा और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट भी चाहिए तो ये आई वी आर एस नंबर है ये वीडियो के एंड में भी दिखाया जाता है सेवन सिक्स सेवन सिक्स फाइव सिक्स डबल फोर डबल जीरो इस पर कॉल करके भी आप अपने आप को इस बैच के लिए एनरोल कर सकते हो देखो इस बैच के नाम मैं फायदे बताती हूँ कि तुम्हारा सारा लॉ का जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा जितने भी डाउट्स हैं कॉलेज में अच्छे से नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ाया गया है वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे और यहाँ पे तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस पेपर्स मॉक टेस्ट ए के सब कुछ मिल जाएगा एंड गारंटीड तुम्हारा पेपर निकल जाएगा इफ यू डू दिस कोर्स तुम्हारा पेपर ए का हंड्रेड परसेंट क्लियर हो जाएगा दैट आई कैन गारंटी ठीक है ऑल राइट right. uh, यही बताने आई थी आई होप जो चीजें मैंने बताई हैं जो टिप्स मैंने दी हैं वो तुम्हारे लिए थोड़ी हेल्पफुल रहे कुछ भी डाउट हो कोई भी इश्यू हो कमेंट सेक्शन में डालना पूछ लेना अगर चाहिए किसी स्पेसिफिक एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ आई ट्राई टू गेट दोज वीडियोज आउट फॉर यू दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीप ऑन स्टडिंग हैव फेथ इन योर सेल्स टे केयर एंड बाय ああ。<music>